अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपका भाई आज एक बार फिर मौजूद है आपके साथ एक नई वीडियो में, और वो भी पूरे पूरे एक साल हमारा ट्रिप प्लान हुआ है। और उसके बाद हमारी जो आज वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आज ही अपलोड करूं अपने चैनल पे। भाई हम नारायण कागान, स्कर्दू, हुंजा यहाँ भी जाने का सोच रहे थे, लेकिन हमें आरंगकेल ही जाना था। यहाँ से फिर हमारा सफर शुरू हुआ। आरंगकेल का सफर जो हैदराबाद से है भाई, वो तकरीबन 1600 किलोमीटर का है, जिसमें हमें 2 से 3 दिन आराम से लगेंगे। तो हम लोग निकले थे हैदराबाद से कल रात को तकरीबन 1 बजे। हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे 10 बजे तक, लेकिन वो आपको पता है कि कुछ फ्रेंड्स और कुछ वजहों से जो है वो लेट, हर ट्रिप हो ही जाता है हर किसी का। मॉस्पेल का रखा है, मच्छर भी और मॉस्पेल भी हमारे पास। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बता दो। इसको चार्जर निकाल लो, नंबर नहीं दादा आप ले रहे हो? देख लो, ले लो भाई, भाई बंद करें। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो भाईजन, कहाँ जा रहे हैं बताना पसंद करेंगे? नहीं है? मैं हैदराबाद से बाहर जा रहा हूँ। हैदराबाद से बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे सखर सुबह 5:30 बजे। यहाँ पे मोटरवे पुलिस ने हमारी दोस्त की गाड़ी को रोक लिया है, क्योंकि उसकी गाड़ी बिल्कुल नई है और नंबर प्लेट्स उसने रखी भी थी लेकिन लगाई नहीं थी। उनको रुकवा के उसकी नंबर प्लेट्स लगवाई, और यह है रोड़ी टूल प्लाजा। इसके बाद हम M5 मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं, जो हमें यहाँ से सीधा मुल्तान लेके जाता है। फिर हम लोग सक्कर पे रुके, हमने वहाँ नाश्ता वगैरह किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे M5 पे, जो कि मुल्तान मोटरवे कहलाता है। जी भाई 10 रुपये कम पड़ गए, कोल्ड ड्रिंक में दे दें। बहुत शुक्रिया, 100 दे दिया आपने तो। ये तो M5 पे हम लोग जो अभी रुके थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए रुके थे। यहाँ पे जो वॉलेट से टोटल पैसे निकले हैं उसमें से हमें 10 रुपये कम पड़ गए थे। 100 दिए भाई ने। हाँ जी भाई, कोल्ड ड्रिंक में पैसे कम पड़ गए आपकी? हाँ यार, 10 रुपये के लिए 100 का नोट खुल लगाना पड़ा, क्या करें। कोई बात नहीं, हो जाता है। भाई वीडियो में डाल दूँ आपको, कोई मसला तो नहीं है? यूट्यूब पे जाएगी। सही है। तो अभी तक का प्लान हमारा यही है कि हम जाएंगे आरंगकेल। अब कुछ लोग उसको आरंगकेल बोलते हैं, कुछ लोग उसको अड़ंगकेल बोलते हैं, तो इसका हमें पता नहीं है भाई। जो भी हो आप लोग कमेंट में इसको मुझे सही से बताएं कि इसको आरंगकेल बोला जाता है या अड़ंगकेल बोला जाता है, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि अभी इस्लामाबाद पहुँचेंगे, वहाँ जाके फाइनल डिसाइड होगा कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि मौसम जो है वो ऐसे ही चल रहा है। अभी काफ़ी बारिशें वगैरह हो रही हैं सब जगह पे, तो इसका पता नहीं है अभी कि आगे जाके हमारा क्या प्लान बने। अरे भाई जान, जगह तो बना दो बैठ, खराब ना हो गया अभी तक ये। नहीं, एसी में खराब नहीं हुई, और चेक करें। घर के खाने की तो फिर बात ही कुछ और है। ये क्या है ऊपर? समोसे, बिरयानी। भाई 3 ले ली मैंने, है 10 रुपये कम पड़ रहा था यार, हमने 100 का नोट भेज दिया। पेप्सी, क्या वो बोल रहे थे ना,
अच्छा पेप्सी और पेप्सी है, सेवन अप है और ड्यू। सही है, बस तीन कोल्ड ड्रिंक्स है ना। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं M5 से। जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें जो मेरे साथ कुछ मेरे कजन और भाई हुआ करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ मौजूद है। ये हैं हमारे आमिर भाई बैठे हैं, और ये वो अर्जित भाई जो कराची सीरीज में हमारे साथ थे। ये आमिर भाई ट्रिप है वो हमारा है कोई 6 से 7 दिन का, और देखते हैं इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि जब सफर पे निकलते हैं थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग ही जाता है। तो भाई साहब सीन ये था कि हम लोग M5 पे पीछे रुके थे, हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा बहुत अपनी ट्रक शॉप से चीज़ वगैरह ली थी, तो उसके बाद फिर ड्राइविंग की उसके बाद फिर सबकी हालत थोड़ी सी जब डाउन हो गई, नींद आने लगी, क्योंकि हम कल रात के चले हुए तो हमने कोई ब्रेक नहीं लिया था सिवाय एक शक्कर के। और फिर जब हमें यहाँ पर नींद आई तो हमने यहाँ पर एक रेस्ट हाउस लिया, पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पर हमारा रेस्ट हाउस था। तो हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए लिया था, हम लड़के थे सारे, और इस वजह से हमने एक ही रूम लिया, तो वो हमें मिला है 1500 का 2 घंटे के लिए, 1500 का। अच्छा रेस्ट हाउस था, एसी बहुत अच्छा चल रहा था, मज़ेदार। तो नींद जो थी वो पूरी हो गई है, और अभी सो के उठा है आपका भाई, और जो है अब जा रहे हैं वहाँ पर कुछ खाने पीने शॉप में, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे वापस अपने सफ़र पे। हमारा अभी ये दोबारा डिसाइड हुआ है कि हमारा स्टॉप अब जो नेक्स्ट होगा वो नथिया गली में होगा। ये सामने से आ रही है हमारी गाड़ी, तो 2 गाड़ियां हैं हमारे साथ, एक ये है सिटी और एक है मीरा, न्यू वाला मॉडल जो है। भाई लॉक खोल देंगे। अभी हम लोग M4 पे आ चुके थे, और फ्यूल हमारा जो था वो बहुत कम बचा था, इस वजह से जो है हमें वापस खानेवाल में उतरना पड़ा। अब खानेवाल में उतरे, हमने अपना फ्यूल फुल कराया, ये तुम्हारी 3री बार टंकी फुल हुई है। मैं भी सत्तू, चार तीन सत्तू और एक इमली आलू बुखारा पड़ा। ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, ये गुड़ है, शकर है, गुड़ की शकर है ना। हाँ जी, गुड़ की शकर, गुड़ की होती है, सुनने की अलग होती है, गुड़ की अलग होती है, जो अपन खाते हैं वाइट वाली वो अलग होती है, ब्राउन शुगर अलग होती है। भाई बर्फ तोड़े, बर्फ तोड़ते ताकि बाल्टी वाला साफ पानी लिया। थैली में नहीं देते।
घर पे भी बनता है इसलिए भाई का हमें चौल देखा। ये इमली आलू बुखारे और सत्तू चिकन जीन। हमने सोचा भाई क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, गर्मी का मौसम है तो इनसे बड़ा गिलास बनवाया है, काफी मजे का है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये दोनों एक ही सब्जियां हैं। चलो फिर हम इसमें से खा लेते करीब वाली में से। शान को बोलो कि हमने आपको भी लेके जाना था लेकिन हम आपको लेके नहीं जा पाए, सॉरी नेक्स्ट टाइम। तो फाइनली इस्लामाबाद के मोटरवे पे हम एंटर हो चुके हैं M2 पे, और मगरिब की नमाज़ हो रही थी तो उसके लिए हमने यहाँ ब्रेक लिया। चाय ले ली? हाँ चाय लिया, डबल करा लेना। हाँ ये गर्म होंगे बहुत, एक फेंटा और एक स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और करेंगे और बस वो कहे तो और चीज़ मिल जाओ। गेंदर बिस्किटों की पार्टी चल रही है भाई, बिस्किट मुझे भी दे दो भाई कुछ। ये आप लोग खा रहे हो, कितने लाए हो? तीन। चलो फिर मुझे खोल के दे देना थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं। तो अब प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग जो है अभी जो हम लोगों ने स्टे करा है नमाज़ वगैरह का, फिर चाहिए चाय वगैरह का, इसके बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे रात में, और वहाँ से इस्लामाबाद में बीच में स्टे नहीं करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेंगे इंशाल्लाह मतिया गली में, इंशाल्लाह नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद फिर सुबह सफ़र अपना शुरू करेंगे आरंगकेल का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नथिया गली में। अब रात के खाने में हमने यहाँ पे जो खा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा है, जिंगर बर्गर हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। अब हम यहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद अपना रूम लेंगे और फिर यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।